नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राउशन स्पेक्स में बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी लोग सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं, इस बार का क्या कट ऑफ रहेगा, तो कट ऑफ कितना जाएगा ये कैसे डिसाइड होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सटीक एनालिसिस। इसमें साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ भी बताऊँगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा। साथ ही मैं आपको बताऊँगा 5 मार्च से 17 मार्च तक का एग्जाम का एनालिसिस, वो भी शिफ्ट वाइज, कॉन्सेप्ट हार्ड थी, कॉन्सेप्ट ईजी थी और कॉन्सेप्ट मॉडरेट थी, ताकि आपको समझ में आ सके कि कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ के बारे में। संविदा वर्ग 3 एमपीटेट वर्ग 3 बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको घोषणा पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मामा जी ने घोषणा कर दी है, अभी कुछ शिक्षकों की भर्ती हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 13,000 शिक्षकों की भर्ती निकाल रहे हैं, जो आपकी 11,000 पद थे उनको बढ़ाया जाएगा। एक तो ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, ये तो एक बड़ी खुशखबरी है, उनको इंक्रीज किया जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे 10,000 पदों पर और भर्ती निकालेंगे, बैकलॉग पदों पर भी भर्ती करेंगे, ताकि सभी को रोज़गार मिल सके। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि 10,000 पदों पर भी भर्ती निकल कर आने वाली है, जल्दी आपको देखने को मिलेगी, ये मामा जी ने घोषणा कर दी है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम लेवल। एग्ज़ाम लेवल आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम रिव्यू और एनालिसिस के बेसिस पर हम एवरीडे एग्ज़ाम सेंटर पर जाके बातचीत करते हैं लोगों से, और उनसे बातचीत करने के बाद ही हम ये एनालिसिस निकाल पाते हैं। तो किसी एक अभ्यर्थी कहने से डिसाइड नहीं हुआ कि कट ऑफ क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट हार्ड होगी, कॉन्सेप्ट मॉडरेट होगी, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों से चर्चा करने के बाद ये हमने एनालिसिस किया हुआ। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ शिफ्ट वाइज एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे डेट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो अब मैं आपको बता दूं कि भाई 5 मार्च से लगभग 11 मार्च तक का मैं उसमें बता चुका था, ठीक है, और उसमें कई अभ्यर्थियों ने कहा था कि हमारे शिफ्ट मॉडरेट भी है, हार्ड भी है, तो इस तरह से कमेंट भी आते रहते हैं। लेकिन मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ जो मैंने अभ्यर्थियों से बात किया है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा 10 मार्च से, तो 5 मार्च से 11 मार्च तक का आप उसमें देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ 10 मार्च से। तो बात कर लेते हैं 10 मार्च की, बात कर लेते हैं, तो आपकी शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी और सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है, अभी आप ध्यान से सुनते चलना, फिर बात करेंगे लास्ट में। 11 मार्च की बात करें, 11 मार्च की शिफ्ट देख लीजिए मॉडरेट टू हार्ड थी और सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट थी। 12 मार्च की बात करें, मॉडरेट फर्स्ट शिफ्ट थी और सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी। 13 मार्च की बात करें, मॉडरेट टू हार्ड और सेकेंड शिफ्ट भी मॉडरेट टू हार्ड। 14 मार्च की बात करें, मॉडरेट मॉडरेट, और 15 मार्च की बात करें, मॉडरेट टू हार्ड और सेकेंड शिफ्ट हार्ड। 16 मार्च की बात करें, हार्ड हार्ड, और 17 मार्च की बात करें, मॉडरेट टू हार्ड और हार्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक एग्जाम एनालिसिस के आधार पर एक भी शिफ्ट ईजी नहीं आई हुई है, सारी मॉडरेट आई है या फिर हार्ड आई है। तो इससे पूरा इफेक्ट जाएगा कट ऑफ पर। तो जो आपकी जो कट ऑफ है, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स इन लेवल के आधार पर कम आ रहे हैं, कई अभ्यर्थियों के मार्क्स कितने आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, 95 आ रहे हैं, कभी 85 आ रहे हैं, 88 आ रहे हैं या 86 आ रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के डिफरेंट टाइप के मार्क्स आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 100 आंकड़ा पार कर पा रहे होंगे। जब भी हम रिव्यू लेने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थी जो है, उनका रेंज 100 से कम ही रहता है। गिने चुने ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं 100 से। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ रहेगा, आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 100 के ऊपर ही रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरियाँ हैं जिनमें कट ऑफ थोड़ा सा कम भी रह सकता है। लेकिन अभी मैं आपको कट ऑफ का पूरा एनालिसिस नहीं दूंगा, अभी मैंने आपको शिफ्ट के बारे में बताया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम और भी रिव्यू लेंगे, अभी जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन एग्ज़ाम के आधार पर जितना भी हमारे पास डेटा कलेक्ट होगा, उस डेटा के आधार पर मैं लास्ट में आपकी कट ऑफ बताऊंगा, और उस कट ऑफ के बेसिस पर आपका डिसाइड हो सकता है कि इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिफ्ट वाइज में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में कई अभ्यर्थी जो हताश हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, उनके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। ये हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि नॉमिनेशन में मार्क्स आपके जो बढ़ेंगे ये शिफ्टों के आंकड़ों पर आधारित बेसिस पर बढ़ेंगे। तो उससे बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि किसी के मार्क्स बढ़ भी सकते हो, किसी के मार्क्स घट भी सकते हैं। तो जिसके मार्क्स अगर 120 आ गए हैं, 130 आ गए, तो उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उनकी मॉडरेट शिफ्ट आ गई तो उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, हो सकता है जिसकी हार्ड शिफ्ट आ गई तो उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से नॉमिनेशन में किसी के मार्क्स बढ़ भी सकते हो और घट भी सकते हैं, लेकिन आपको नॉमिनेशन का फायदा मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ बताएंगे, लेकिन पहले एनालिसिस बताएंगे, उसके बाद कट ऑफ देखेंगे क्या रह सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।